choke you down just like a pill. Hello guys and welcome back to Comic Book Universe. सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। चूंकि इस सीरीज का पिछला एपिसोड 3 महीने पहले अपलोड किया गया था और आखिरकार 3 महीने बाद ये सीरीज कंप्लीट रिलीज हो चुकी है, तो मैं आपकी मेमोरीज को थोड़ा ताजा कर देता हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब बैटमैन एक ट्रक का पीछा कर रहा था और उस ट्रक में बैटमैन को एक दूसरे यूनिवर्स का ब्रूस वेन मिलता है। इसके बाद बैटमैन अर्खम असाइलम की तरफ जाने लगता है, लेकिन अर्खम असाइलम में पहले ही दूसरे यूनिवर्स से 2 बैटमैन पहुंच चुके हैं, बैटमैन द ग्रिम नाइट और बैटमैन हु लाफ्स, जो असाइलम में जोकर के पास पहुँच कर उसे मार देते हैं। लेकिन डिटेक्टिव गॉर्डन के साथ मिलकर बैटमैन को पता चलता है कि जिस जोकर की डेथ हुई थी वो नकली जोकर था और बैटमैन हु लाफ्स सब क्रिमिनल्स को मारने इस यूनिवर्स में आया है। वहां से उनको एक क्ल्यू मिलता है जिसका यूज करके बैटमैन बैटकेव के वाटर टैंक के पास पहुंचता है, जहां जोकर उसके सामने आता है और अपने आप को गोली मार देता है, जिससे बैटमैन के अंदर जोकर के दिल का टॉक्सिन घुस जाता है और उसके अंदर जोकर का कैरेक्टर आने लगता है। जोकर कहता है कि इसी तरीके से हम बैटमैन हु लाफ्स को हरा सकते हैं। हालांकि अल्फर्ड जोकर को बचा लेता है और बैटमैन अपने पास मौजूद दवाइयों का यूज करके अपने आप को जोकर बनने से रोक रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक बैटमैन को जोकर बनने से नहीं रोक सकते। बैटमैन को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कई और ब्रूस वेन्स आ रहे हैं जिनको बैटमैन हु लाफ्स लाकर मार रहा है, और इन सब के खून का यूज करके बैटमैन हु लाफ्स एक सीरम बना रहा है जो कि वो इस पूरे गोथम में फैला देगा, जिससे गोथम के सब लोग खुद के डार्क वर्जन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बैटमैन गॉर्डन को लास्ट लाफ के बारे में बताता है, जिससे अगर गोथम के अंदर कुछ बीमारी फैलती है तो बैटमैन इसका यूज करके एक दवाई को पूरे गोथम में फैला देगा जिससे सब लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए बैटमैन हु लाफ्स गोथम टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि लास्ट लाफ को एक्टिवेट करने वाले सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब बैटमैन को लगता है कि बैटमैन हु लाफ्स वाटर टनल्स का यूज करके इस सीरम को पूरे गोथम में फैला सकता है, इसलिए बैटमैन और डिटेक्टिव गॉर्डन जेम्स गॉर्डन के पास जाते हैं जो कि डिटेक्टिव गॉर्डन का बेटा है और जो पहले सबसे महान क्रिमिनल था और जो गोथम की सारी वाटर टनल्स को जानता था, ताकि बैटमैन ये पता कर सके कि बैटमैन हु लाफ्स कौन सी टनल का यूज करके वो सीरम शहर में फैलाने वाला है। और बैटमैन के पास अब भी एक सिस्टम है जिससे वो लास्ट लाफ को एक्टिवेट कर सकता है। तब बैटमैन द ग्रिम नाइट डिटेक्टिव गॉर्डन को बैटमैन के हाथों से छीन कर ले जाता है, क्योंकि लास्ट लाफ को एक्टिवेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, एक बैटमैन और दूसरा डिटेक्टिव गॉर्डन। और अब बैटमैन लास्ट लाफ को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। वहीं बैटमैन हु लाफ्स अब भी डार्क मेटल का यूज करके दूसरे यूनिवर्स से ब्रूस वेन्स को लाकर मार रहा है और उनके ब्लड सैंपल ले रहा है। इधर बैटमैन बता रहा है कि बैटकेव के नीचे अब भी 1 टन डार्क मेटल है और उसका यूज करके बैटमैन एक विजर बना लेता है जो कि बैटमैन हु लाफ्स के विजर की तरह काम करता है। वहीं जोकर भी बैटकेव से भाग जाता है। बैटमैन कह रहा है गोथम में एक कहावत है जो कि मायागानी कस्बे से आई हुई है, और वो कहावत ये है कि खुशी वो चीज है जो तुम अपने बच्चों की आंखों से देखते हो। हालांकि इसमें सच भी है, मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई थी, पर जब कभी मेरी रात बुरी गुजरती, जब कभी मुझे अपने आप पे डाउट होता या फिर बैटमैन के रूप में मेरे मिशन के ऊपर डाउट होता, तो मैं इस शहर को अपने बच्चों के नजरिए से देखता। डिक सबसे पहला रॉबिन था, उसकी सबसे खुशनुमा आंखें थी, वो हमेशा ऊपर की तरफ देखा करता था, लेकिन बाकी सब रॉबिन के बारे में भी ये सच है। तो ब्रूस अपने आप को याद दिलाओ और जल्दी से वो खुशी फील करो जो उनकी आंखें लेकर आती हैं। अपने बच्चों की आंखों में देखो और इस वर्ल्ड को उस तरीके से देखो जैसा वो देखते हैं। बैटकेव प्रेजेंट, अल्फर्ड कह रहा है ये आपने क्या कर लिया। ब्रूस कहता है जो मुझे करना पड़ा। तब अल्फर्ड बैटमैन का विजर छीनते हुए कहता है इस चीज को उतारिए और मुझे आपकी आंखें देखने दीजिए। हे भगवान। ब्रूस कहता है अल्फर्ड ऐसा दोबारा मत करना। अल्फर्ड कहता है तुम ब्रूस नहीं हो। ब्रूस कहता है मुझे वो विजर वापस दो। अल्फर्ड कहता है नहीं, जिस किसी मॉन्स्टर का आपने आज तक सामना किया है वो बने रहकर किया है जो आप हैं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ब्रूस कहता है अल्फर्ड मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये द बैटमैन हु लाफ्स है, जिस तरीके से उसकी आंखें काम करती हैं, वो इस मेम्ब्रेन से डार्क मल्टीवर्स में देख सकता है, लोगों के डर और इच्छाएं देख सकता है। उसका विजर डार्क मेटल से बना है जिसका यूज करके वो डार्क एनर्जी को फिल्टर कर सकता है और उस चीज पे फोकस कर सकता है जो देखना चाहता है।
मैंने ये विजर उस डार्क मेटल से बनाया है जो तुम गौतम से लेकर आए थे। ये उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट है जिसपे बैटमैन हु लाफ्स का विजर सेट है। मैं इसका यूज करना सीख सकता हूँ और ये पता लगा सकता हूँ कि अगला ब्रूस वेन कहाँ पे आने वाला है और उसी के गेम में उसे हरा सकता हूँ। प्लीज अगर मुझे लेना पड़ा तो मैं लेकर रहूंगा, अल्फर्ड कहता है। तुम ट्राई जरूर करोगे लेकिन मैं नहीं देने वाला। तब अल्फर्ड बैटमैन से लड़ने लगता है। बैटमैन कहता है तुमने मुझ पर अटैक किया। अल्फर्ड कहता है ब्रूस आई एम सो सॉरी। तब ब्रूस अल्फर्ड पे जोर से लपकता है लेकिन अल्फर्ड ब्रूस को बुरी तरह से पीटने लगता है। अल्फर्ड कह रहा है ब्रूस आई लव यू, मेरी तरफ देखो। लेकिन ब्रूस को अपनी आंखों से ये दिख रहा है कि अल्फर्ड ये कह रहा है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें इतना दर्द पहुंचाऊंगा कि तुम मुझे फिर कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अब ब्रूस अल्फर्ड का गला दबा लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुमने इतने सालों से मुझे रोकने की कोशिश की है, मैं तुम्हारी बहुत सारी दया देख चुका हूँ क्योंकि तुम बहुत गंदे थे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे फादर की तरह हो। वेल वो टाइम गुजर चुका है। अल्फर्ड रोते हुए कहते हैं प्लीज ब्रूस। ब्रूस कहता है क्या मैं रुक जाऊं? तभी एकदम से ब्रूस को रियलाइज होता है और वो अल्फर्ड की गर्दन छोड़ देता है। इसके बाद ब्रूस अल्फर्ड को गले लगा लेता है और कहता है आई एम सॉरी। अल्फर्ड कहता है मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा। ब्रूस कहता है हो सकता है लेकिन बैटमैन मेरे बारे में नहीं है, वो कभी नहीं था। बैटमैन बाकी हर किसी के बारे में है, तुम्हें ने मुझे वो सिखाया था। बैटमैन गौतम के बारे में है, बस मुझे गौतम को उसी नजरिए से देखना है जिस तरीके से बैटमैन हुलाफ्स देखता है। अब ब्रूस वो विजर पहन लेता है और अपनी बैटमोबाइल में वाहन से चला जाता है। इधर बैटमैन हुलाफ्स डिटेक्टिव गॉर्डन से कह रहा है देखो अपनी तरफ, तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तुम देख ही सकते हो। और आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया था लेकिन जब मैं बैटमैन था तब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे क्योंकि तुम्हें मुझे बताया था कि बैटमैन को उस तरीके से कैसे देखना है जिस रूप में वो है, आसमान की उस लाइट की तरह। लेकिन अब जब मैं ये बन चुका हूँ तब मुझे कभी तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि अपने वर्ल्ड में मेरा जन्म तब हुआ था जब जोकर ने अपनी हद पार कर दी थी। उसने क्रोकोडाइल को मार दिया, बहुत सारे विलन्स को मार दिया और कई सारे लोगों को भी मार दिया और तब भी तुम ये सोच रहे थे कि जोकर को रूल्स के अकॉर्डिंग पकड़ोगे, उस किताब के अकॉर्डिंग पकड़ोगे लेकिन जोकर ने वो किताब एक एसिड में डाल दी और तुम्हें फंसा दिया। गॉर्डन कहता है। बैटमैन हुलाफ्स कहता है हाँ उस टाइम तुमने ऐसी आवाज़ निकाली थी। मुझे उस टाइम एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा याद है वो ये है कि मैंने तुम्हारे चश्मे पकड़े थे, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। तब मैंने ऊपर देखा और देखा कि तुम्हारा नाक गायब था लेकिन अब तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हारा नाक भी है और तुम्हारा हर एक बॉडी पार्ट है। लेकिन अगर तुम्हारी डेथ नहीं हुई होती, बैटमैन ने जोकर को मार दिया होता और बैटमैन हुलाफ्स का जन्म नहीं हुआ होता, एक तरीके से देखें तो अब भी तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड। गौतम शहर के नीचे मेरे इस घर में तुम्हारा स्वागत है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ बहुत मजा आ रहा होगा अगर तुम मेरी किताब के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो, लेकिन अगर तुम मिसबिहेव करते हो वेल तब तुम और द ग्रिम नाइट अच्छे दोस्त नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, तुम लंबे टाइम तक यहाँ नहीं रहोगे, हमारा काम बस पूरा ही होने वाला है। तुम वो टेबल पे देख रहे हो, मेरे पास पहले ही 4 कनिस्तर है और इस पूरे शहर को बदलने के लिए बस 6 कनिस्तर काफी रहेंगे। इस टाइम तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा और थोड़े से सीरम का यूज करके तुम और मैं पार्टनर्स बन सकते हैं। गॉर्डन कहता है वो सोच सकता है कि तुम कुछ फाइनल एनिमी हो, कोई एंड गेम, लेकिन तुम बस कॉस्ट्यूम पहने एक कमीने हो और मैं तुम्हें उसी रूप में देख पा रहा हूँ जिस रूप में तुम हो। बैटमैन हुलाफ्स कहता है मैं जानता हूँ कि तुम देख सकते हो, ये लो अपने चश्मे पहन लो। वहीं कहीं बैटमैन अपनी बैटमोबाइल में जा रहा है और कह रहा है डिक को हमेशा बिल्डिंग्स की छत पसंद थी, हर एक रोबिन को पसंद थी, वो शहर को ऊपर से देखा करते थे जबकि मैं गलियों में रहता था, अपनी बैटमोबाइल को एक टैक्सी की तरह दिखाता रहता था क्योंकि मैं लोगों को देखना चाहता था, अपने आप को ये याद दिलाना चाहता था कि मैं बैटमैन क्यों बना। इस विजर का यूज करो ब्रूस और फोकस करो, देखो जो वो देखता है, उस एनर्जी पैटर्न को देखो और उसका पता लगाओ, उसके प्लान का कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा इन लोगों को देखो जो वो असल में है, अच्छे लोग, उनके सपनों को देखो, उनकी उम्मीद को देखो, वो गौतम के बच्चे हैं। तब बैटमैन को उस विजर के थ्रू उन लोगों की बुराइयां दिखाई देती है। बैटमैन चिल्ला उठता है नो
ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। तब बैटमैन को अल्फ्रेड का कॉल आता है जो कहता है, लगता है कि तुम सही कह रहे थे। द ग्रिम नाइट इस शहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डार्क मेटल के गोदामों की तरफ मोड़ रहा है। तुमने काफी सारा डार्क मेटल गोथम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब भी गोथम के अंदर इतना डार्क मेटल बचा है कि वो पोर्टल बना सकते हैं। और इसी तरीके से वो पोर्टल बना रहे हैं और चूज कर रहे हैं कि कौन से ब्रूस वेन को यहाँ पे लाना है। अगर तुम पता लगा सको कि वो कहाँ पे है, बैटमैन कहता है मैं पता लगा लूंगा, मेरी जेम्स के साथ बात करवाओ। अब बैटमैन जेम्स से पूछता है, क्या तुमने पता लगा लिया कि वो लोग कौन सी वाटर टनल का यूज करने वाले हैं? जेम्स कहता है, मैंने उनमें से तीन को मेंशन किया था, इस टाइम मैं सबसे बड़ी वाली को चेक करने वाला हूं। लेकिन बैटमैन तुम बताओ तुम कैसे हो? बैटमैन कहता है मैं ठीक हूं। जेम्स कहता है, इससे पहले कि तुम कनेक्शन काटो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरा फादर हर टाइम तुम्हारे कोड को प्रोटेक्ट करता था, किसी को नहीं मारने का रूल, लेकिन मेरे लिए ये सब नॉनसेंस था। मेरी ट्रीटमेंट से पहले मैं लोगों को सेल्फिश देखा करता था, छोटा और क्रूवल देखा करता था, तो इसीलिए मेरे हाथों उनके साथ जो कुछ होता या फिर गौतम के हाथों जो कुछ होता वो जस्टिस था। बुरे लोग, बुरा शहर, बुरी किस्मत, ये सब परफेक्ट सेंस बनाते हैं, एक सीधी सी आवाज। हालांकि अब जब मैं चेंज हो चुका हूँ तो अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें हो जाती हैं और तब इमोशन बाहर आते हैं, आवाजें उठती हैं। बैटमैन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जेम्स कहता है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी को भी मारने से पहले वो था जो मैं था, क्योंकि मेरे काम उस चीज को शो नहीं करते बल्कि मेरा यकीन शो करता है। इसी तरीके से तुम चीजों को देखते हो, मैं जानता हूँ कि ये बहुत आनंद देने वाला है और मैं इसे अब भी मिस कर रहा हूँ। तब बैटमैन कहता है, मुझे फोन काटना होगा, मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। जेम्स कहता है, एक आखिरी चीज, जब तुमने मुझसे सीवर्स में पूछा था कि क्या तुम उससे हार जाओगे और मैंने कहा था कि तुम नहीं हारोगे, लेकिन अगर तुम जीत भी जाते हो तब भी तुम उस चीज को नहीं बदल सकते जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या तुम्हारे पास अपने आप को ठीक करने का कोई रास्ता है? लेकिन बैटमैन कोई जवाब नहीं देता। 3 घंटे पहले गौतम शहर के नीचे लास्ट लाफ के रिसोर्स कंपाउंड में बैटमैन उस टंकी के पास पहुंच चुका है जहां से पूरे गौतम में वाटर सप्लाई होता है। अब बैटमैन अपने कंप्यूटर से उस पानी की जांच करने के लिए कहता है। कंप्यूटर कहता है कि पानी पूरी तरह से साफ है। अब बैटमैन कंप्यूटर को फिर से जांच करने के लिए कहता है, तब वहां जोकर आता है और कहता है, अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें हमेशा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तब बैटमैन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोकर कहता है, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। लेकिन बैटमैन अपने विजर से देखते हैं कि जोकर कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने आया हूँ, तुम्हें टॉर्चर करने आया हूँ, तुम्हें मारने आया हूँ। अब बैटमैन जोकर को बैरिकेड के साथ लगा देता है और कहता है, बात करने आए हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जोकर कहता है, आराम से बिहेव करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक दवाई है और तुमने उसे रेडी कर रखा है, लेकिन तुम नहीं चाहोगे कि मेरा गंदा खून इस पानी में पड़े। तब बैटमैन उसे बैरिकेड से दूर कर देता है और नीचे लेटाकर पूछता है, क्यों जोकर, तुमने ऐसा क्यों किया? जोकर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहने आया था। क्या क्या कहने आए थे? हंसने आए थे? कहने आया था। क्या कहने आए थे? तुम्हें वो मिल चुका है जो तुम्हें चाहिए। नहीं, मुझे नहीं मिला। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने वो टॉक्सिन अपने दिल में खुद डाला था, ये तुम्हारा फाइनल ट्रैप था। तुम और मैं हमेशा एक वॉर पे रहेंगे, तुम्हें लगता है कि हम मैटर करते हैं? मुझे लगता है कि लाइफ एक गंदा जोक है, मैं यकीन करता हूँ कि एक दिन मैं जीत जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पैरों पे चिल्लाता हुआ देखूंगा और ये शहर मर रहा होगा और उस दिन मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार और फिर कभी नहीं। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं ये नहीं चाहता। बैटमैन पूछता है, तो क्या तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं जीत जाऊं? जोकर कहता है, नो। बैटमैन कहता है, तो क्या चाहते हो? जोकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी जीते। बैटमैन कहता है, तो तुम यहाँ गुड बाय कहने आए हो? जोकर कहता है, नहीं, मैं यहाँ तुम्हें गुड लक बोलने आया हूँ। बैटमैन कहता है, जोकर मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, अगर मैं उस मॉन्स्टर में बदल जाता हूँ तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं उस मॉन्स्टर में बदल जाता हूँ। जोकर कहता है, ओह, तब मैं तुम्हारा दिमाग फाड़ दूंगा। बैटमैन कहता है, तैयार हो जाओ। जोकर कहता है, और उम्मीद करूंगा कि तुम मर जाओ। अब वो दोनों जोकर वाली हंसी हंसने लगते हैं। बैटमैन बताता है, वो हंसी सबसे डरावनी हंसी थी और मैंने ये हंसी तब भी सुनी जब मैं उस जेल में गया था, इस ब्लैक गेट जेल में, जिन क्रिमिनल्स को अर्कम असाइलम से यहाँ लाया जाता था। तब बैटमैन उस जेल में पहुंचता है।
जो कि अब बिल्कुल खाली हो चुकी है, और बैटमैन यहाँ के पाइप से डार्क मेटल निकालने आया है। अल्फ्रेड कहता है, सर एनर्जी रीडिंग बहुत बढ़ रही है। बैटमैन कहता है, इतने की मेजर भी नहीं की जा सकती, यही वो जगह है। मैं मानता हूँ कि वो जो भी कुछ पोर्टल बना रहा है वो जल्दी खुलने वाला है। अल्फ्रेड कहता है, सर ध्यान से, अगर ये पोर्टल किसी दूसरे ब्रूस वेन को यहाँ पे ला सकता है तो ये आपको उस डायमेंशन में भी भेज सकता है जिस डायमेंशन से वो ब्रूस वेन यहाँ पे आने वाला है। तभी बैटमैन के सामने एक गार्ड आता है और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। बैटमैन कहता है, मेरी बात सुनो। गार्ड कहता है, चुप हो जाओ, तुम वही हो, तुम द बैटमैन हु लाफ्स हो। अब बैटमैन उसकी यूनिफॉर्म पे उसका नेम टैग देखता है और उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है, वो चीज़ जो सिर्फ असली बैटमैन ही जान सकता है। बैटमैन उसका नाम बताता है, जो कि डेविड हार्पर है। उसकी उम्र बताता है, उसकी वाइफ के बारे में बताता है और बेटे के बारे में बताता है। गार्ड पूछता है, लेकिन मुझे कैसे पता कि तुम असली हो? अब बैटमैन डेविड को उसके बच्चे के बारे में थोड़ा और बताता है, जिस पे डेविड बैटमैन की बात मान लेता है। बैटमैन कहता है, देखो मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ, एक कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते तुम दरवाजे खोल और बंद कर सकते हो। डेविड कहता है, तो बताओ कि वो आदमी कहाँ पे है जिसे तुम लेने आए हो? बैटमैन कहता है, वो आसपास ही कहीं पे होगा। तभी एकदम से वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। बैटमैन कहता है, लग रहा है कि मैं उस पोर्टल से यहाँ पे आ चुका हूँ। ये वाली ब्लैक गेट प्रिजन बहुत बड़ी है, पहले वाले की 4 गुना साइज। तब वहाँ पे वो आदमी आता है जो कि उस डायमेंशन का ब्रूस वेन है और कहता है ये उससे 6 गुना बड़ी है। अगर तुम इसे पिछले वाली ब्लैक गेट से कंपेयर कर रहे हो तो मैं ब्रूस वेन हूँ और मैं इस जगह को चलाता हूँ, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। इधर मेन डायमेंशन में ग्रिम नाइट डिटेक्टिव गॉर्डन को खड़े होने के लिए कहता है। गॉर्डन पूछता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब ग्रिम नाइट उसे आजाद कर देता है और कहता है, मैंने अपने वाले गौतम को परफेक्ट बना दिया था, पूरा गौतम मेरे कंट्रोल में था, लेकिन तुमने मुझे फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटमैन हुलाफ्स क्या कहता है, मेरे वाले वर्ल्ड में तुमने मेरा शिकार किया था और इस वर्ल्ड में मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। अब मैं अपने वाले यूनिवर्स से इस वाले यूनिवर्स में कुछ ही लोगों को ला सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ स्पेशल लोगों को लाया हूँ, कुछ स्पेशल शिकारी कुत्तों को। भागो जिम, भागो। अब गॉर्डन वहाँ से भागने लगते हैं। इधर बैटमैन ब्रूस वेन से कह रहा है, मेरी बात सुनिए, आप खतरे में हैं। ब्रूस वेन हंसता है और कहता है, मैं खतरे में हूँ? तुम यहाँ पे आए हो ये कॉस्ट्यूम पहन के और कह रहे हो कि मैं खतरे में हूँ? ये पुराना गौथम नहीं है, इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई झूलते हुए दरवाजे नहीं, मैंने इस गलती को बहुत टाइम पहले सुधार दिया है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों मेन यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। ब्रूस वेन पूछता है, आखिर हम कहाँ पे हैं? बैटमैन कहता है, लग रहा है कि हम मेरे वाले वर्ल्ड में आ चुके हैं जिसमें भागने के बहुत सारे रास्ते हैं। तब कुछ और गार्ड्स की नज़र बैटमैन पे पड़ती है जो उसे बैटमैन हुलाव समझ लेते हैं। ये देखकर बैटमैन डेविड को मिस्टर वेन की सुरक्षा करने के लिए कहता है और अपनी जेब से कुछ चीज निकालता है जिससे सीढ़ियों पे एक चिपचिपा मटेरियल बन जाता है ताकि वो गार्ड्स नीचे ना आ पाए। बैटमैन कहता है कि ये चीज उनको कुछ देर के लिए रोके रख सकती है, लेकिन तब बैटमैन देखता है कि डेविड ब्रूस वेन को ले जा रहा है। बैटमैन डेविड को रुकने के लिए कहता है, लेकिन डेविड नहीं रुकता और बैटमैन और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। बैटमैन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बैटमैन हूँ, मैं बैटमैन हुलाफ्स नहीं हूँ। अब डेविड अपने जेब से एक छुरी निकालता है और कहता है, ओ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, और फिर डेविड उस ब्रूस वेन को मार डालता है जबकि बैटमैन ये सब देखता रह जाता है। बैटमैन पूछता है, क्यों, तुमने उसे क्यों मारा, तुमने ब्रूस वेन को क्यों मारा? डेविड कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ट्रिक जानता हूँ बैटमैन। लेट मी गेस, अब तुम इसके आगे देखने की कोशिश कर रहे हो, डर और आतंक के आगे तुम रॉबिन्स की आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हो, अपने सो कॉल्ड बच्चों की आंखों से। लेकिन वो बैटमैन को जानते थे, जो उम्मीद तुम लोगों में देखा करते थे वो एक झूठ था, इसलिए वो सारे रॉबिन ऊपर रहना पसंद करते थे, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ। इधर हम देख रहे हैं कि डिटेक्टिव गॉर्डन उन टनल्स में से भाग रहा होता है। तब उसके पीछे कुछ रॉबिन्स लग जाते हैं जिनका चेहरा भी उसी तरीके से बन रखा है जिस तरीके से बैटमैन हुलाफ्स का है, और वो पागल हो चुके हैं। इसके बाद वो डिटेक्टिव गॉर्डन को पकड़कर अपने दांतों से काटने लगते हैं। इधर जेम्स गॉर्डन उस टनल तक पहुंच चुका है जिसका यूज करके बैटमैन हुलाफ्स वो सीरम फैलाने वाला है। तब जेम्स अपनी टोपी उतारता है और हमें उसके हाथ में एक बोतल दिखाई देती है। इधर डेविड बैटमैन से कह रहा है, मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया हूँ और मैं ये डिजिटल मास्क निकाल देता हूँ ताकि तुम देख सको। हाँ, सच ये है कि फाइनली तुम चीजों को सही तरीके से देख पा रहे हो, क्योंकि पहली बार तुम गौतम को उसके सच्चे बच्चे की आंखों से देख पा रहे हो।
तुम्हारे सबसे सच्चे बच्चे की आंखों से, द बैटमैन हु लाफ्स की आंखों से, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरी आंखों से। तब हम देखते हैं कि डेविड असल में बैटमैन हु लाफ्स था। अब तक गार्ड्स बैटमैन के पास पहुँच चुके हैं और उसे अपने हाथ खड़े करने के लिए कहते हैं। बैटमैन कहता है, नहीं नहीं मैं असली बैटमैन हूँ, उसे रोको। तब बैटमैन हु लाफ्स अपना मास्क पहन लेता है और अपनी आवाज़ चेंज करके कहता है, मेरी बात सुनो, मैं कमांडिंग ऑफिसर हार्पर बोल रहा हूँ। द बैटमैन हु लाफ्स, उसने ब्रूस वेन को मार दिया और उसके पास एक ट्रिगर डिवाइस है, उसे इसी टाइम मार दो। और तब वो सब गार्ड्स बैटमैन पे गोलियां चलाने लगते हैं।